नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो में। लाइट के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में एक लाइट बल्ब का इमेज है। दोस्तों आपको सोचना भी सही है, लेकिन दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ लाइट से आने वाली रोशनी की। दोस्तों जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा हो, जैसे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसमें से लाइट आ रही है। इसी लाइट के वजह से हमें आसपास की चीज़ें हमें दिखाई देती है। दोस्तों इस कार की लाइट खुली हुई है जिस वजह से आगे का रास्ता दिख रहा है। बेसिकली दोस्तों इस टाइम क्या हो रहा है, लाइट आगे जा रही है और किसी ऑब्जेक्ट से हिट होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। स्नोफॉल हो रहा है तो जो स्नोफॉल के पार्टिकल हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों इस टाइम आपको दो बातें जानना ज़रूरी है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। बहुत से लोगों को यह पता भी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं ल्यूमिनस। दोस्तों इसका मतलब होता है जिनके पास खुद की लाइट होती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सन दिखाई दे रहा होगा, सन के पास खुद की लाइट है। आपको इस वीडियो में एक लाइट बल्ब दिखा रहा होगा, इसके पास भी खुद की लाइट है। दोस्तों जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की। दोस्तों नॉन ल्यूमिनस उन्हें कहते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। दोस्तों जैसे ये एक प्लैनेट है, इसके पास खुद की लाइट नहीं है, ये सन के वजह से दिखाई दे रहा है। अगर सन नहीं होता है तो ये भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों जो हमारी अर्थ है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं है। दोस्तों एक बार अपने आसपास की चीज़ें ध्यान से गौर करना। जो आपका हाउस है, जो आपकी टेबल है, चेयर है, उनके पास खुद की लाइट नहीं है। दोस्तों इन्हीं को हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। दोस्तों आपको लाइट के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई है। इसके बाद लाइट की दूसरी वीडियो आएगी जिसमें पूरी डिटेल होगी लाइट के बारे में। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।